इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स 2021 के टॉप 20 क्विज। इस सीरीज का होने वाला है पार्ट नंबर 2। पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। आज का सबसे पहला प्रश्न है, आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है? तो यह है डेविड वॉर्नर, यानी आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज डेविड वॉर्नर। नेक्स्ट है, चीन के पहले मार्स रोवर का नाम क्या है? तो इसका नाम है झुरोंग। चीन के पहले जो मार्स रोवर है उसका नाम क्या है? झुरोंग है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झुरोंग किस देश का पहला मार्स रोवर है? तो यह है चीन का। नंबर 3 है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? तो यह है क्लो झाओ, यानी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर इन्होंने विन किया है और पहली अश्वेत महिला है क्लो झाओ। नेक्स्ट नंबर 4, किस फिल्म ने 93वें एकेडमिक अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर जीता है? तो ये जीता है नोमैडलैंड ने, बेस्ट पिक्चर के लिए। नंबर 5 है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कौन से खिलाड़ी आईपीएल 6 में यानी आईपीएल में 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? तो यह है विराट कोहली, यानी आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज। नंबर 7 है, प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो यह माँ यानी अन्नापूर्णा, माउंट अन्नापूर्णा। ध्यान रखना आपको, प्रियंका मोहिते नेपाल की जो चोटी है माउंट अन्नापूर्णा, इसको फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। नंबर 8 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है 142। ध्यान रखना है, इस बार भी यानी 21 में भी 142 और जो 2020 का सूचकांक था ये, इसमें भी इसका भारत का स्थान 142 ही था। कोई सा ये पूछ ले, 142 है। नंबर 9 है, इटली ने किस देश में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया? तो क्या है? भारत में। इटली ने कहाँ पर क्या है पहला मेगा फूड पार्क? भारत में। 10 है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 18 अप्रैल को, विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल। नेक्स्ट है, विजडन अलमेनाक ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना है? तो चुना है विराट कोहली को, सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर 2010 शतक यानी दशक के लिए। 12 है, जलवायु परिवर्तन में कानून बनाने वाला पहला देश बना है? तो बना है न्यूजीलैंड। जलवायु परिवर्तन में कानून बनाने वाला पहला देश न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है पूनम गुप्ता। नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक पूनम गुप्ता। नेक्स्ट है 14, केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है, यानी ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसे क्षय रोग से मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो यह लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है नोरा अल मात्रोशी को, नोरा अल मात्रोशी। नेक्स्ट है नंबर 16, देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सुशील चंद्रा को, देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट है 17, किस भारतीय अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो की गई है अक्षय कुमार को, भारतीय अभिनेता है और पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की इनको घोषणा की गई है। 18 है, पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है सोनू सूद को, ब्रांड एम्बेसडर टीकाकरण अभियान के लिए। नेक्स्ट है 19, सरकार ने किस महाकवि की तप स्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर परासोली करने को मंजूरी दी है? तो ये सूरदास की। तो क्वेश्चन आपसे देखिए, महमूदपुर इनकी तप स्थली थी सूरदास की, अब जो इनका नाम होगा वो होगा परासोली। नेक्स्ट है नंबर 20, वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट को बनाने के लिए किस जंतु की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है? तो क्या है? मेंढक की। वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट को बनाने के लिए। 21 है, किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज आर्क का कार्य पूरा किया गया है? तो किया गया है चिनाब नदी पर, और ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है 22, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को,
वैसे अगर आप सभी दिवस की ट्रिक देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर ट्रिक वाले पोर्स यानी ट्रिक वाले जो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा उसमें जाकर आप देख सकते हैं। 23 है, साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो किया गया है रजनीकांत को। तो यहाँ पर हमने आज के क्विज कंप्लीट किए हैं। ये देखिए अप्रैल मंथ के कुछ क्विज थे इंपॉर्टेंट जो आने वाले एग्जाम में आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसका पहला पार्ट भी देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।